चाहे आप कैसी भी फॉल्स आई लैशेज एक्सटेंशंस लगा लें, पर जो बात नेचुरल आई लैशेज में है वो किसी और में नहीं। सो अगर आपको भी लंबी घनी सिया आई लैशेज चंद दिनों में चाहिए, सो जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी तरकीबें नहीं बताऊंगी, बस कुछ चार पॉइंट्स हैं मेरे पास जिनको आप अगर अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं सो चंद दिनों में ही आपको इसका इफेक्ट मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपनी बॉडी के फंक्शन को समझना ज़रूरी है। बस थोड़ी सी बात करूंगी कि आपकी बॉडी आपकी हेयर ग्रोथ के लिए कैसे वर्क करे। आपकी बॉडी में हेयर ग्रोथ को स्टिम्यूलेट करने के लिए एक खास विटामिन पाया जाता है जिसे हम बायोटिन या विटामिन बी भी कह सकते हैं। और आज एज एन एवरेज 70-80% लोगों में किसी न किसी विटामिन की डेफिशिएंसी ज़रूर होती है क्योंकि हम भरपूर ग़िज़ा नहीं ले पाते। सो उसके लिए आपने करना बस ये है कि आप किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर पर जाएं और वहाँ से बायोटिन या विटामिन बी की सप्लीमेंट्स ले लें। और विटामिन बी की इनटेक का बेस्ट टाइम मॉर्निंग है, सो आप डेली सुबह में विटामिन बी की एक सप्लीमेंट यूज़ करें। सो यहाँ चैप्टर क्लोज होता है विटामिन बी का। आपकी बॉडी में विटामिन बी के अलावा विटामिन ई की डेफिशिएंसी भी पाई जाती है, और विटामिन ई आपकी हेयर थिकनेस और आई लैशेस के हेयर की थिकनेस के लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद है। सो विटामिन ई आप डाइट के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक फिश, एग्स, बीन्स, योगर्ट। सो अब आपने एक एक्स्ट्रा मस्कारा बॉटल को वार्म वाटर से वॉश करना है, उसके बाद उसको ड्राई करने के लिए रख दें। मेक श्योर कि आपके मस्कारा का ब्रश अच्छी तरह से साफ़ हो चुका हो, उसमें कोई ब्लैक पिगमेंट बाकी ना हो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको विटामिन ई के कैप्सूल्स का ऑयल अपनी मस्कारा बॉटल में फिल करके रख देना है और डेली रात में अप्लाई करना है। दैट्स इट। अब हमारे रूटीन का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको अपनी आई लैशेस के बालों को डेली कॉम्ब करना है। जैसे आपके सर को बालों को डेली कॉम्ब करना ज़रूरी है जिससे आपकी सर्कुलेशन अच्छी होती है, इसी तरह आपके आई लैशेस के बालों को कॉम्ब करने से आपकी आई की सर्कुलेशन अच्छी होती है और उससे हेयर लॉस का खदशा कम होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेमेडी जिससे आपके लैशेस बहुत जल्दी लॉन्ग और थिक हो जाएंगी। उसके लिए आपको बस करना ये है, आपको लेनी है एक मस्कारा की बॉटल, उसको अच्छे से वॉश करना है, ड्राई करना है, उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। आपको दोनों को 50-50 के रेशो में ऐड करना है। बस अब अपनी मस्कारा बॉटल को अच्छे से शेक करें और अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि आपको इस रूटीन को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो रेमेडीज आ चुकी हैं, एक विटामिन ई ऑयल की जो कि बहुत नेसेसरी है और दूसरी है हमारी ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल की, वो भी बहुत नेसेसरी है। सो जैसे अगर आप मंडे रात सोने से पहले विटामिन ई ऑयल को अपने मस्कारा ब्रश से कॉम करके लगा लें, सो आपको ट्यूसडे को ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल के मिक्सचर को अपने आई लैशेज़ पर लगाना है, यानी कि आपको ऑल्टरनेटिव डेज में दोनों चीज़ें यूज़ करनी है। इसके अलावा जो आपको अपनी आई लैशेज़ की कॉम भी करनी है वो डेली कम से कम 3 बार करनी है। इसके अलावा बायोटिन की जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपको डेली सुबह में यूज़ करनी है, बट मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर लें। दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो and share it to your loved ones.